नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्नेहा की बातें में। मैं हूँ स्नेहा और आज हम बनाएंगे स्टफ्ड ब्रोकली के पराठे। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टफ्ड ब्रोकली के पराठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्टफिंग तैयार करनी होगी। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल का गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। ऑयल हमारा हीट हो चुका है। सबसे पहले हमें इसमें डालना है 1 पिंच ऑफ हींग, 1/4 टीस्पून ऑफ राई। राई के डालने के बाद हमें डालना है यहाँ पर एक बड़ी साइज की कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद हमें डालना है 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। एक बार सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ब्रोकली थी जो कि हमने अच्छे से धो के बारीक बारीक ग्रेट कर ली है। ये ब्रोकली मैंने यहाँ पर एक स्मॉल साइज की ब्रोकली ली है। आप अगर प्याज खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च डालने के बाद आप एक छोटा सा कटा हुआ प्याज डाल के भी इसमें साथ में भून सकते हैं। मैं यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ अमचूर पाउडर, जिसे कि हम ड्राई मैंगो पाउडर भी बोलते हैं। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे हमें इस मसाले को सिर्फ 2 या 3 मिनट ही भूनना है, हमें ब्रोकली को ओवर कुक नहीं करना है। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। एक बार फिर से मिक्स करेंगे और करीबन 1 मिनट तक हम हमारी स्टफिंग को और भूनेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है और हमारी स्टफिंग अब रेडी है। हम अब इसे एक प्लेट में खाली करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर करीबन 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा तेल का मोयन डाल के हमने पराठों के लिए एक डो रेडी किया है। पराठों का डो हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। आटे से हमने एक लोई तोड़कर तैयार की है, अब हम इसे बेलेंगे। हमने लोई पे थोड़ा सा पॉलीथीन लगा लिया है और अब हम इसे हाथों की मदद से ही थोड़ी सी बड़ी करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक कटोरी का शेप बना लेंगे और इसमें अब हमारी स्टफिंग भरेंगे। तो ये देखिए स्टफिंग आप अपनी चॉइस के अनुसार कम या ज़्यादा भर सकते हैं। अब हम इसे सभी तरफ से अंदर अच्छे से दबाते हुए, ये देखिए इस प्रकार से एक मुंह बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा निकाल के अलग कर देंगे। हाथों की मदद से इसे फिर से थोड़ा सा गोल शेप देंगे। और अब हम इसे फिर से थोड़ा सा पॉलीथीन लगाएंगे और अब हम इसे बेलेंगे। बेलते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे पराठों पे नहीं देना है और समान मात्रा में हमें इसे सभी तरफ से बढ़ाना है। देखिए हमारा पराठा बेल के रेडी है। अब हम गैस पर एक तवा गर्म होने के लिए रखेंगे और अब हमने तवे पे पराठा डाल दिया है। तो ब्रोकली के ये जो पराठे हैं, जिन लोगों को ब्रोकली का टेस्ट पसंद नहीं होता है उन्हें भी डेफिनेटली ये पराठे ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके उनके टिफ़िन में ज़रूर से ये पराठे दीजिए, क्योंकि ब्रोकली काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। आज हम इस समय मीडियम टू हाई रखेंगे। ये पराठे हमने हाथ से इसीलिए थोड़े से बड़े करे थे क्योंकि ऐसा करने से हमारे पराठे फटते नहीं हैं। एक बार चेक करते हैं। देखिए पीछे से हमारे पराठे पे ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं, तो हमने इसे पलट दिया है। पराठे को आप सेकने के लिए घी या तेल
जो भी आप चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से पराठों पे सभी तरफ घी लगाएंगे और फिर से अब हम इसे टर्न करेंगे। देखिए हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से सिक चुकी है और इस साइड भी अब हम घी लगाते हैं। आप अगर बटर पसंद करते हैं तो इन पराठों पर आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छे से हम पराठों को सेकेंगे। देखिए हमारे करारे ब्रोकली के पराठे सिक चुके हैं और इसी तरह से हम अन्य पराठे बेल के सेक के तैयार करेंगे। तो चलिए पराठों की प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारे स्वादिष्ट से स्टफ्ड गर्मा गर्म ब्रोकली के पराठे बनके तैयार हैं। देखिए हमारे पराठों की स्टफिंग अंदर से कितनी अच्छी आई है, होप आप देख पा रहे हैं। इन पराठों को आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी, रायता, दही या पिकल के साथ खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।